everyone, I'm Subhukta from Universal English Study. So today I will continue with my rest of the reading tips and strategy. We were doing true, false and not given. So here is another tip for true, false and not given, that is, you always be aware of adverbial frequency. इसका मतलब क्या? एडवर्बल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कभी कभी उन्होंने क्वेश्चन में आपको कुछ और लिखा होता है, जस्ट एक वर्ब लिखा होता है, लेकिन जब आप पैसेज में जाते हैं शायद वो वर्ब या फिर एडवर्ब जो है वो दो डिफरेंट एडवर्ब उन्होंने यूज़ किए होते हैं, जिससे सेंस बिल्कुल चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स सी, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हो आई ओकेजनली गो टू जिम ऑन सैटरडे, और आपके क्वेश्चन में है, पैसेज में है आई ओकेजनली गो टू जिम ऑन सैटरडे, और आपके क्वेश्चन में है आई यूजुअली गो टू जिम ऑन सैटरडे, तो ये दोनों आप अगर एक्चुअल जनरल में कर रहे हो, लाइक रेगुलर कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, आपको लगेगा सभी कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं और दिस इज़ ट्रू, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्ट. क्यों? ओकेजनली एडवर्ब से और यूजुअली एडवर्ब दोनों की सेंस सबसे डिफरेंट होती है. ओकेजनली का मतलब होता है कि स्पेसिफिक ओकेजन, स्पेसिफिक डे पे जाते हैं, कभी कभी, ऑन सैटरडे, नॉट डेली. लेकिन यूजली, जब ये एडवर्ब लग जाता है, यूजली का मतलब एक ऐसा एडवर्ब होता है जो एक फ्रिक्वेंसी शो करता है आपकी हैबिट की, जो आप रिपीटिव करते हो, हर दिन करते हो, प्रतिदिन करते हो. सो ये कभी कभी और ये यूजली हर दिन, हर सैटरडे को जाते हैं. सो इट मीन्स इट, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रू नहीं होगा. सो आपको हमेशा एडवर्बल की फ्रिक्वेंसी का खास ध्यान रखना होगा, जैसे कि ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, यूजली, मेनली, एक्सेट्रा. स्पेसिफिक वर्ब्स का नो, सजेस्ट, बिलीव, क्लेम, से. हो सकता है क्वेश्चन में उन्होंने जर्नली बोला हो, जैसे ये देर आर ओनली 5 स्पीसीज दैट आर अंडर डेंजर, लेकिन हो सकता है वहाँ पर बिलीव दिखा हो कि उनको पूरा विश्वास है कि इतने हैं, या सिर्फ उनको मालूम है इस चीज़ के बारे में, उन्होंने नो लिख दिया हो. तो ये सब चीज़ों को आपको जब भी आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या कोई भी एक्सरसाइज करनी है, प्लीज़ एडवर्बल फ्रिक्वेंसी का बहुत आपको ध्यान रखना होगा. और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं रीडिंग में, दैट इज़ अ पंक्चुएशन मार्क्स. हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जबकि उनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनका पार्ट होता है. अगर मैं बात करूँ कनेक्टर्स का, कनेक्टर का उससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि अगर मैं मोर ओवर, हाउ एवर, पार्ट फ्रॉम दिस, ये सब चीज़ें, ये क्या होती है, जैसे कभी कभी उन्होंने एक चीज़ इन कनेक्टर से पहले सेंस कुछ और लिखी होती है. अगर वो लिख रहे हैं कॉमा डालने के बाद हाउ एवर, इसका मतलब समझ जाइए कि वो सेंस को चेंज करने लगे हैं, जबकि हम आंसर दे देते हैं हाउ एवर से पहले और पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते. सो आपको कनेक्टर्स का हमेशा खास ध्यान रखना है और समझ जाइए जैसे कनेक्टर यूज़ किया है, मतलब कि वो अब सेंस, जो एक्चुअल आंसर है वो अब बाद में देने लगे हैं. उसके बाद जो हाइफन्स होते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार आपको हाइफन्स दिए होते हैं, कॉमर्स दिया होता है या सेमी कॉलन दिया होता है, उसके बाद कंटिन्यूटी में उन्होंने कुछ लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो इससे पहले जो वर्ड लिखा है, कई बार बहुत ऐसे अननोन वर्ड्स आ जाते हैं, जो कई बार अननोन मेडिकल टर्म्स आ जाती हैं जो हमें नहीं पता होता. सो उन्होंने आपकी हेल्प के लिए उन्होंने ये हाइफन, या इससे ये, इसका मतलब ये होता है कि वो पहली वाली टर्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका ये वाला जो टर्म हो, जिससे पहले वो नेक्स्ट, उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस कराऊंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये वाली टर्म्स कैसे यूज़ होती हैं, इन पंक्चुएशंस के साथ आप कैसे कर सकते हो, मतलब इन पंक्चुएशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों को. सो ये पंक्चुएशंस को नहीं भूलना, एडवर्बल फ्रिक्वेंसीज और वर्ब, ये सबको, एडजेक्टिव्स, इन सबको कभी भी नज़रअंदाज आपने नहीं करना. ये आपकी है एक ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, जो और ये किसी और एक्सरसाइज में भी काम आ सकती हैं बहुत ईजीली. सो आपने इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है. उसके बाद आते हैं हेडिंग्स के ऊपर. ये मोस्टली सभी बच्चे बोलते हैं हमें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं ये सारी हेडिंग्स, वो इसीलिए लगती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चे को एक मेथड नहीं पता कि इनको सॉल्व कैसे करना है. मैंने मोस्ट ऑफ द अपनी वीडियो जितनी अभी तक बनाई हैं बोला है कि सबसे पहले एक ही बार में आपने सभी क्वेश्चंस को रीड नहीं करना, लेकिन इस केस में मैं आपको एडवाइस करूँगी, ये वाली जो हेडिंग्स होती हैं आपने सबको एक ही बार में रीड करना है. और लेट्स अज्यूम दैट, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर किसी कॉलेज के रिलेटेड आपको कुछ पैराग्राफ दिए गए, ए बी सी डी पैराग्राफ्स है सारे कॉलेज के बारे में, ऑब्वियसली वहाँ पर फीस रिलेटेड कोई बात की गई होगी, काउंसलिंग रिलेटेड,
हॉस्टल रिलेटेड बात की, पार्किंग रिलेटेड, तो आपने मेन मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने हाईलाइट करते जाना है। एक ही बार सबको पढ़ोगे और मेन मेन कीवर्ड्स को आपने हाईलाइट कर देना है। उससे क्या होगा, अब आपको पर्टिकुलर पता लग जाएगा कि इस हेडिंग में किस चीज़ के बारे में बात की है, इस हेडिंग में किस चीज़ के बारे में बात की है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका सिर्फ इस पैराग्राफ को पढ़ना है। हम क्या करते हैं, हम ये हेडिंग पढ़ते हैं और फिर सभी पैराग्राफ्स पढ़ना शुरू कर जाते हैं कि इसके बारे में कहाँ लिखा गया है। तो वो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, सेकेंडली आपको पता ही नहीं लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। इसीलिए हमेशा बेटर होता है एक हेडिंग को जब आप पढ़ रहे हो सभी को एक साथ पढ़िए, उसके बाद सिर्फ एक पैसेज को पढ़िए। अब इसमें से समझिए कि बात किस बारे में की गई है। इस पैसेज को, वन पैसेज को सभी हेडिंग्स के साथ मैच कीजिए, क्योंकि जो हेडिंग्स हैं वो तो आपकी मैक्सिमम 10 हो जाएंगी। पैराग्राफ तो बहुत लंबे लंबे होंगे, टाइम कंज्यूम होगा, और जैसे ही आपको ये हेडिंग मिल गई, लेट्स से एक ही हेडिंग इसमें है, उसको फटाफट क्रॉस कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको क्रॉस कर आपको इतना ईजी लगेगा ये मेथड, और आपकी ये हेडिंग्स कभी भी गलत नहीं होगी अगर आप इस मेथड से उसको सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले सभी हेडिंग्स को पढ़ना है, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, उसके बाद एक पैसेज सिर्फ पढ़ना है और इस पैसेज को सभी हेडिंग्स के साथ फटाफट मैच करते जाना है। सो हेडिंग्स की हमेशा यही टिप रहेगी। और जो बहुत लेंथी हेडिंग्स होती हैं जिसमें जैसे कि कभी पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द राइटर, अब उसमें हमें सारी रीडिंग नहीं करनी, सारे के सारे पैसेज नहीं रीड करना, सिर्फ स्टार्टिंग की 3 इंट्रोडक्टरी लाइन्स पढ़ोगे जहाँ पर सेंट्रल आइडिया पूछा है, और एंडिंग की लाइन्स 3 पढ़ोगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन क्या निकला है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं मैच द कॉलम्स पे। मैच द कॉलम्स में सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, मेन क्वेश्चन को वो इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्टली आते हैं इन 4 पॉज।